तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इजीली 750 रुपये कैसे अर्न कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताऊंगा। ये ICICI डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने पे अभी आपको 750 रुपये कैशबैक मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। और आप जैसे अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करके इजीली 750 रुपये अर्न कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि डीमैट अकाउंट को ओपन करते हो तो उसके लिए आपको अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हो तो उसके लिए आपको 750 रुपये तक कैशबैक मिलता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इजीली कैसे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो ICICI डायरेक्ट का। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे तो उसके बाद अपना ऐसा पेज आएगा जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आपने यहाँ पर चेकबॉक्स को इनेबल कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आपको OTP आ जाएगा। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी डीमैट अकाउंट या ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना होता है तो उसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और रजिस्टर्ड, आपका आधार कार्ड से नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी आप ओपन कर सकते हो। अगर आपका नहीं है तो आप ओपन नहीं कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका नंबर रजिस्टर्ड है आपके आधार के साथ में। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम, आपका पैन कार्ड नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ देना है। आपको ये तीनों चीज़ें फिल कर देनी है। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें फिल कर दोगे और आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज में ये कंटिन्यू करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज में ये रिडायरेक्ट कर देगा। और वहाँ पे आपने क्या करना है, तो नेक्स्ट पेज में आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, आपको अपनी रजिस्टर्ड आईडी फिल करनी है। इस पर आपको एक OTP आएगा। तो जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ फिल करते हो और आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो आपको एक OTP आएगा। आपको उस OTP को फिल करना है। आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा, उसको आपने फिल कर देना है। जैसे आप उसको फिल करोगे और प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपको ऐसी डिटेल आएगी जहाँ पे आपको अगर आपको किसी ने रेफ़र किया हुआ है तो आपको यहाँ पे SIM असिस्टेंट पे क्लिक करना है। अगर आपको किसी ने रेफ़र नहीं किया है, मतलब आपको किसी ICICI बैंक के मैनेजर ने रेफ़र किया तो आपको उस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। अगर नहीं कर रहे तो S पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पेज में आपने अपनी फिर से वही डिटेल भर देनी है, आपको अपना पैन कार्ड और अकाउंट नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे, ICICI बैंक के साथ में अगर आपका अकाउंट है तो आप उस पर कर सकते हो, नहीं है तो आप किसी और पे भी कर सकते हो। इसके बाद में आपने सिंपल सी डिटेल फिल कर देनी है, आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड, और नीचे आपने सेविंग अकाउंट और सिंगल पर क्लिक करना है। नेक्स्ट में आपने कंसेंट को टिक कर देना है और प्रोसीड टू डिजी लॉकर की साइट पर क्लिक करना है। सारे अकाउंट में आपको डिजी लॉकर मिल जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका जो आपका नंबर है उस पर एक OTP जाएगा जहाँ से आपने अपना नंबर उसमें सबमिट कर देना है। आपको आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए उसके लिए। उसके बाद में आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आपको ये प्रोसेस थोड़ी लेगी। उसके बाद में अलाउ पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में आप अपना पैन कार्ड कर सकते हो और आपकी सिग्नेचर कर सकते हो। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी सिग्नेचर वाइट पेपर पर ही करनी है और शो होनी चाहिए। जैसे आप ये दोनों अपलोड कर देते हो, उसको अपलोड होने में कुछ टाइम लग सकता है, अगर एरर आता है तो उसको आपने एक बार रिफ्रेश कर लेना है और रिफ्रेश करने के बाद में फिर से अपलोड कर देनी है। तो ये होने के बाद में आपने क्या करना है, अपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और जैसे आप करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि ओपन विथ न्यू ICICI अकाउंट या फिर एग्जिस्टिंग। अगर आप पहले से कस्टमर हो ICICI की तो आप यूज़ एग्जिस्टिंग कर सकते हो, नहीं ये तो न्यू पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने नो पे ही क्लिक रखना है, एस पे क्लिक नहीं रखना है। आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को एक्स्ट्रा नहीं करना है, नो पे क्लिक करना है। आपको नेक्स्ट डिटेल में आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम, आपका जेंडर और आपके मैरिटल स्टेटस को फिल कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट के में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर और आपकी जो ग्रेजुएशन है उसको कर देना है। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे आप करोगे तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। आपके यहाँ पे 5 स्टेप शो हो रहे होंगे, जैसे जैसे आपके स्टेप शो क्लियर हो जाएगा तो आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपने देख लेना है कि आपको जो आपकी एनुअल इनकम है वो सब कम रखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कितने भी रख सकते हो। और ईमेल एंड फिजिकल, इसका मतलब ये है कि आपको जब भी कोई मेल आएगी तो आपको ये फिजिकल भी मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे जैसे आप कुछ ये कर सकते हो, व्हाट इज फैक्टर या फैक्चर है, इसमें आपने अपनी एनुअल इनकम में आपको सोर्स देख देना है कि आपको सोर्स क्या है। बाकी दोनों ऑप्शन पर नो रखना है। और इसके बाद में आपको स्पेशल ब्रोकरेज प्लान है, यहाँ पे आपको नो आई विल ऑप्ट आउट लेटर पे क्लिक करना है। ऐसा नहीं करना है, कोई भी आपको चार्जेस पे नहीं करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। यहाँ पे आपको एक आपको जैसे ही आप उस पर सबमिट करोगे तो आपकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेगा। आपका ब्राउज़र से कर रहे हो तो आपको ब्राउज़र में अलाउ कर लेना है, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आपका एक फ़ोटो क्लिक कर लेगा। जैसे आपकी फ़ोटो क्लिक होगी
और तो उसके बाद में आपको अपनी फिर से आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई कर देना है। अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपकी जो यूज़र आईडी है उसको आप अपने मोबाइल नंबर रखना चाहते हो या ईमेल आईडी रखना चाहते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और आपको पासवर्ड बना लेना है। और नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिजी लॉकर की साइट से जाना है और आपको अपना आधार कार्ड एंटर करना है, ये सेकेंड टाइम होता है। तो ये थी आपकी लास्ट स्टेप, यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप किसी को रेफर भी कर सकते हो, इसके लिए आपको 750 का कैशबैक मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।